हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू राइड बाइक। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब लोग सीख ही जाते हैं धीरे धीरे, गली मोहल्ले में सीख के, पहले साइकिल चलाकर या फिर सीधे बाइक चलाकर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइक सीखना चाहते हैं और उसके लिए यूट्यूब पर सर्च करते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि बाइक को राइड कैसे किया जाए। तो बाइक को राइड करना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब आप सीधे बाइक चलाना सीखते हैं तो थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर आप साइकिल सीखे हुए हैं फिर उसके बाद बाइक पर आते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। तो अगर आप पे साइकिल चलानी आती है तो आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, पर अगर आप सीधे बाइक चलाना सीख रहे हैं थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे उसी बिल्कुल बेसिक से कि आप सीधे बाइक चला रहे हैं। तो बाइक चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले आए, आप बाइक पर बैठे, आपने स्टार्ट की और चल दिए, ठीक है, तो उससे आप नहीं चला पाओगे। तो बेस्ट क्या तरीका है, पहले आपको अपनी बाइक को समझना होगा कि वो एक्चुअल में बिहेव कैसे करती है, किस तरीके से चलती है, तब आप इसको चलाएं। तो फॉर द फर्स्ट थिंग, बेसिक लेसन क्या है बाइक का, सबसे पहले आप अपनी बाइक का वेट जो है, क्योंकि बाइक हल्की नहीं होती है, मिनिमम 100-125 किलो की तो बाइक्स होती हैं, ये वाली तो 200 किलो के आसपास है, तो उसका वेट कैसे हैंडल करना है वो सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बाइक को संभालना सीखना। संभालने से मतलब है आपको बाइक को स्टैंड से हटाना, उसको स्टैंड पे लगाना। ये साइड स्टैंड होता है और एक सेंट्रल स्टैंड होता है, तो सेंट्रल स्टैंड पर अगर आपकी बाइक लगी हुई है तो सेंटर स्टैंड से बाइक को हटाना एक बड़ा काम होता है, तो उस स्टैंड से हटाना, उस पर वापस लगाना, ये सब चीज़ें आपको बाइक चलाने से पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को सीखें, बाइक को इस तरीके से चलाना, पीछे हटाना, उसको झुका के देखना कि आप उसका कितना वेट हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्यों, क्योंकि बाइक भले ही ये 200 किलो की हो या कोई 150 किलो की बाइक हो, आपको उसको उठाना नहीं होता है, आपको उसको सिर्फ सड़क पे बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए आपको उतनी ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि बाइक्स में एक वो आती है, एक्सरसाइज आती है, वन फिंगर बैलेंस। तो वन फिंगर बैलेंस क्या होता है, आप उसको दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए कि आपको बस बाइक को ऐसे बैलेंस करना है। तो अब मुझे बाइक का कोई भी वेट फील नहीं हो रहा है, 200 किलो या 2 किलो भी वेट फील नहीं हो रहा, तो बाइक अपने आप को खुद बैलेंस कर लेती है जब वो चल रही होती है। मेन चीज होती है आपको बाइक को चलाना सीखना होता है स्लो स्पीड पे। तो सबसे पहले आपने क्या सीखना है, आपने बाइक को बस पीछे हटाना, आगे बढ़ाना, ये चीज, इधर मोड़ लिया आपने मोटरसाइकिल, फिर आपने पीछे हटा ली, फिर आगे कर ली। तो ये चीजें सीखनी सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम सीखेंगे कि बाइक को स्टार्ट कैसे करते हैं और आगे चलाते कैसे हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी जरूरी हैं। तो जब आप इतना सीख जाते हैं, अपनी बाइक को अच्छे से बैलेंस करना सीख जाते हैं, उसको पकड़ना, हैंडल करना, ये सब सीख जाते हैं, उसके बाद आप बाइक पर बैठना सीखते हैं। तो बाइक पर बैठने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं सबके, पर जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो यही है कि बाइक आपकी खड़ी है, आप ऐसे बैठ उसको सीधा कर लेते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू हॉप ऑन योर बाइक, ठीक है। अब बैठने के बाद आपने साइड स्टैंड हटा लिया है, आपकी बाइक जो है आपके दोनों पैरों पे बैलेंस है, आप बाइक को ज़्यादा इधर झुकाएंगे तो गिर सकती है, जाहिर सी बात है। तो पर इसकी भी आपको एक्सरसाइज करनी है कि आप अपनी बाइक को कितना संभाल सकते हैं, इस तरफ कितना संभाल सकते हैं या फिर इस तरफ कितना संभाल सकते हैं। तो जब इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी लेग्स को इसकी एक्सरसाइज से इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बाइक का एक्चुअल वेट क्या है और वो फील कैसे होती है आपको। तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद हम सोचेंगे कि बाइक को स्टार्ट करके चलाना कैसे, लेकिन उससे भी पहले इसके कंट्रोल्स हमें पता होने चाहिए कि कौन से कंट्रोल्स क्या करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं आपकी, ये आपका फ्रंट ब्रेक होता है, इधर आपका क्लच होता है, एस्केलेटर होता है, ये रियर ब्रेक होता है, और आपके लेफ्ट साइड जो है वो गियर्स होते हैं। तो इन सब कंट्रोल्स का काम क्या क्या है, कैसे कैसे करते हैं, वो सब भी मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी भी हम बाइक को स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले हम क्या सीखेंगे कि बाइक को आगे पीछे कैसे करते हैं।
ये एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और क्यों आनी चाहिए? सपोज कीजिए आपने बाइक चलानी सीख ली, लेकिन आपको ये सब नहीं आता है, ट्रैफिक में आप कहीं रुके हुए हो, आपकी बाइक बंद हो गई है और आपको इसको लुढ़का के कहीं ले जाना पड़ गया, या किसी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आदमी पैनिक हो जाता है कि पीछे से सब हॉर्न दे रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो उस कंडीशन में आपको अपनी बाइक मैनुअली हैंडल करना आना चाहिए, ये सारी एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए। आपको यहाँ पे ब्रेक लगा के रोकनी है, रुक जाएगी, फिर पीछे हटानी है, आपके पैरों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो बाइक को आराम से आगे पीछे कर सके, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरा, कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है? आपने बाइक को संभालना सीखना है, ऐसे किया, दोनों पैर उठाए, बैलेंस बनाना सीखना है कि बाइक का बैलेंस कैसे बन रहा है। फिर से आप यही एक्सरसाइज करते हैं, जरूरी नहीं आप एक बार में पैर उठा लेंगे दोनों, आप हल्के हल्का भी सीख सकते हैं, ऐसे हल्के हल्के करके सीख सकते हैं इस चीज को। तो जब आप इस चीज को करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपकी बाइक जो है वो कैसे बिहेव कर रही है और किस तरीके से उसका वजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो ठीक है, चलिए मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कंट्रोल्स का, कि कंट्रोल्स क्या क्या करते हैं। तो ऐसे तो आपको हर बाइक में अलग अलग तरीके से बहुत सारे बटन मिल जाएंगे, ठीक है, पर जो बाइक को चलाने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें हम बता देते हैं। जैसे ये जो की होती है, ये इग्निशन ऑन ऑफ करती है आपको, इग्निशन ऑन है, ये ऑफ है, लेकिन बाइक लॉक नहीं है, हैंडल लॉक होता है उसके बाद जब आप ऐसे करके इसको एक बार और घुमाते हैं, ये हैंडल लॉक हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इग्निशन ऑन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक मेन जो स्विच होता है बाइक में होता है इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्विच, यहाँ पे ऑफ पोजिशन है, यहाँ पे स्टैंड बाई पोजिशन है, और अगर हम इसको दबाते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इग्निशन ऑन है और अब मैं यहाँ पे ये प्रेस करता हूँ तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे बाइक स्टार्ट होती है, लेकिन अभी आपको स्टार्ट करनी नहीं सीखनी। उससे अलग यहाँ पे आपका हॉर्न होता है, ये इंडिकेटर के लिए होता है, लेफ्ट राइट, ये बाकी स्क्रीन पे चीज़ें कंट्रोल करने के लिए होता है, यहाँ पे एक हाई बीम लो बीम स्विच होता है। तो ये सब चीज़ें बाइक्स में होती हैं, सब में अलग अलग होती हैं, वो आपकी बाइक के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका एस्केलेटर। एस्केलेटर बेसिकली क्या करता है, जिसको हम अपनी देसी भाषा में रेस भी बोलते हैं कि बाइक को रेस दे दो। तो इसमें एक वायर होता है जो पुली से बंधा रहता है इंजन के पास फ्यूल पंप से, तो जब आप इसको घुमाते हैं तो फ्यूल की जो ओपनिंग है वो बढ़ जाती है और ज़्यादा फ्यूल इंजन में जाता है, जिससे बाइक की स्पीड बढ़ती है, उसके इंजन की पावर डिलीवरी बढ़ती है। तो इसका काम ये है, तो ये आपकी बाइक की इंजन की पावर को कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, उसके टॉर्क को कंट्रोल करता है। तो सारी चीज़ यहीं से है कि आप बाइक को कितना फ्यूल दे रहे हो वो इस पर डिपेंड करता है। इसकी सेंसिटिविटी भी अलग अलग होती है, जैसे अब नई बाइक में राइड बाय वायर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये पुराना केबल वाला सिस्टम है तो उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन हाँ जब आप इसको घुमाओगे तो आपको फील से पता चल जाएगा कि आप कितना उसको बाइक को पावर दे रहे हो। उसके बाद यहीं पर आगे होता है फ्रंट ब्रेक। फ्रंट ब्रेक जो होता है उसका जो ये लीवर होता है ये आपके फ्रंट ब्रेक को एंगेज करता है। अब आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक है या आपकी बाइक में ड्रम ब्रेक है वो डिपेंड करता है। तो इस ब्रेक को यूज़ करने के भी तरीके होते हैं। बाइक की 80% ब्रेकिंग पावर जो आती है, 80-90% वो फ्रंट ब्रेक से आती है, ठीक है। तो आप इस पे वन फिंगर ब्रेकिंग कर रहे हैं, टू फिंगर, थ्री फिंगर, फोर फिंगर, ये डिपेंड करता है, लेकिन ये बाद की बात है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपको हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए लाइक दिस, ये पैनिक सिचुएशन होती है, ऐसे कभी भी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ग्रेजुअली आप दो फिंगर से इसको आराम से दबा के बाइक को रोक सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो आता है आपका क्लच। क्लच लीवर का काम क्या होता है? क्लच बेसिकली एक तरीके का स्विच होता है जो इंजन की पावर को पिछले पहिए में पहुंचने से रोकता और अलाउ करता है। जब आप क्लच दबा लेते हो, फुल क्लच दबा लेते हो, तो इंजन चाहे कितना भी घूम रहा हो उसकी पावर जो है वो पिछले पहिए पर नहीं जाती है। क्लच प्लेट्स कुछ इस तरीके से आपस में जुड़ के काम करती हैं। जब आप क्लच दबा लेते हो तो क्लच प्लेट दूर हो जाती हैं, तो इंजन वाली क्लच प्लेट भले ही घूमती रहे पिछले पहिए पर पावर नहीं जाती है। जब आप क्लच छोड़ देते हो तो प्लेट आपस में मिल जाती हैं और इंजन प्लेट के घूमने से क्लच प्लेट भी घूमने लगती है। इसके बाद आपके जो फुट कंट्रोल है उसमें लेफ्ट साइड में आते हैं आपके गियर्स। तो गियर कंट्रोल भी बाइक्स में अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन एक जो सबसे कॉमन है वो ये है कि आपका फर्स्ट गियर जो होता है वो डाउन शिफ्ट पर लगता है, ठीक है, और उसके बाद उससे ऊपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे गियर आपके लगते हैं, ठीक है।
अब कुछ बाइक्स में हिल एंड टो दोनों होते हैं लीवर, कुछ बाइक में सिर्फ फ्रंट लीवर होता है। जिनमें फ्रंट लीवर होता है उनमें आपको फिर इस तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है, और जिनमें हिल एंड टो होते हैं उसमें आप अपनी हिल का यूज करके इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। नाउ कम टू अदर साइड, इस तरफ होता है आपका रियर ब्रेक। रियर ब्रेक सिंपली आप ऐसे प्रेस करके पिछला ब्रेक जो है वो एंगेज कर सकते हैं। पिछला ब्रेक आपको कम यूज़ करना चाहिए, अगला ब्रेक आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बाकी आपका पर्सनल प्रेफरेंस है आप कैसे उस चीज़ को सीखते हैं। लेकिन बाइक जनरली अगले ब्रेक से ज़्यादा जल्दी रुकती है और ज़्यादा ईजिली रुकती है अगर आपका कंट्रोल अच्छा है उस पर। पिछला ब्रेक यूज़ करने से अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो बाइक स्किड होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये आपके कंट्रोल्स के बारे में था कि बाइक के कंट्रोल जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो अब आपने बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, बाइक पर बैठना आप सीख गए हैं, उसको लेफ्ट राइट करना, हल्का फुल्का चलाना सीख गए हैं। तो अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब बाइक को स्टार्ट करें, की घुमाई आपने, बेसिक की घुमानी है और चेक करना है कि आपकी बाइक न्यूट्रल में है। न्यूट्रल क्या होता है, वो गियर जिसपे इंजन की जो पावर है वो डिलीवर नहीं होती है रियर व्हील को। तो आप सबको बेसिक पता ही होगा न्यूट्रल क्या है और बाइक को कैसे न्यूट्रल पे लेके आना है वो भी आप समझ गए हैं। तो बाकी आप अपनी बाइक का मैनुअल देख सकते हैं, मोस्टली बाइक में टंकी के ऊपर लगा रहता है कि कौन सा गियर कहाँ पर है। तो जब आपकी बाइक न्यूट्रल में है तब आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस इग्निशन ऑन करके इंजन जो स्टार्ट स्विच है उसको प्रेस करना है, एंड दैट सिंपल आपकी बाइक स्टार्ट हो गई। अब जब बाइक स्टार्ट हो जाए, इंजन उसका आवाज़ कर रहा है, थोड़ी देर उसको करने दे, उस पर बैठे रहे। आपको आदत होगी एक वाइब्रेटिंग मशीन के ऊपर बैठे रहने की, इससे घबराए मत। इसको सिंपली बस इस तरीके से 2-3 मिनट इस पर बैठे, हैंडल पकड़ सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को फील करें। उसके बाद आपने अभी कुछ नहीं करना है, बहुत हल्की सी रेस देनी है बिना कोई गियर डाले, न्यूट्रल गियर में। ये करना क्यों है, अब आप बोलोगे भाई इसको करने से क्या फायदा है। तो ये करना इसलिए है क्योंकि जब आप बाइक चलाओगे ना और आप जब चलाने के टाइम इसको रेस दोगे तो इंजन के वाइब्रेशन से फर्स्ट टाइम लर्नर्स में क्या होता है, वो घबराते हैं कि अरे भाई इतनी तेज इंजन वाइब्रेट कर रहा है, क्या पता क्या हो रहा हो। एक तो वो उस चीज की आदत आपको पड़ती है, और जो दूसरी चीज है आपको इस रेस के कंट्रोल की आदत पड़ती है कि आपको इसको कितना घुमाना है। आपने इसको बिल्कुल ऐसे नहीं कर देना है, वो चीज नहीं चलेगी। आपको इसकी सेंसिटिविटी की आदत डालनी है कि मैं इसको कितना घुमाता हूँ और कितना इंजन पावर लेता है, कितने उसका जो मूवमेंट है, मतलब इंजन का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ता है। तो इस चीज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये चीज, ठीक है। जब आप इस सब चीज के आदि हो जाए फिर आपने क्लच दबाना सीखना, ठीक है। या तो क्लच फुल दबता है या क्लच फुल छूटता है, उसके बीच में भी एक पोजीशन होती है जिसको हाफ क्लच बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक आपको सीखना है, जब भी आप सीख रहे हो कभी भी अपने हाथ हमेशा इस तरीके से ब्रेक पर ना रखें, ठीक है, क्योंकि कुछ भी होगा आप पैनिक सिचुएशन में ब्रेक दबा दोगे और आप गिर जाओगे। तो कभी भी पूरा हाथ ब्रेक पर ना रखें, एक फिंगर या दो फिंगर ऐसे ब्रेक पर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, क्लच दबाना है और ये पैर नीचे रखते हुए, अपना राइट पैर नीचे रखते हुए गियर वाली साइड से आपने फर्स्ट गियर डालना है और क्लच बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिर्फ फर्स्ट गियर डालना है, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है, इस पोजीशन में खड़े रहना है, ठीक है। बाइक आपको संभालनी आ गई है, आप हल्का फुल्का उसको मूव कर सकते हैं, आपने गियर डाला हुआ है, आपने क्लच दबाया हुआ है। अब अगली चीज है, आपने बिना रेस दिए क्लच छोड़ना शुरू करना, ठीक है। जैसे जैसे आप क्लच छोड़ोगे तो आपको फील होगा कि बाइक आगे जाना चाह रही है, ठीक है, आपने उसको रोकना नहीं है, आपने उसको आगे जाने देना है। तो जैसे जैसे आप क्लच छोड़ो, एक पॉइंट पे आके आपको लगेगा कि बाइक आगे जा रही है, दूसरे पैर से संभालते हुए उसको आगे जाने दें, बस 1-2 मीटर चल के रुक जाएं, क्लच पूरा दबाया, दोनों पैर नीचे रखे, अपनी बाइक को वापस पीछे ले जाए, ठीक है। फिर से हम सेम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्लच आपने दबाया हुआ है, फर्स्ट गियर डाला हुआ है और आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, और जब बाइक मूव करने लगे आप अपने पैरों को हल्का सा उठाते हुए इस तरीके से फिर आगे आएंगे, फिर आपने क्लच पूरा दबा लेना है, फिर आपने पीछे जाना है, फिर आपने इस ब्रेक पे 1 या 2 फिंगर रखनी है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और आगे आना है।
एक पॉइंट पे आके आपने ब्रेक दबा देने हैं और क्लच दबा लेना है। ध्यान रखना है आपको क्लच पूरा डिसंगेज नहीं करना है, सिर्फ आपने हाफ क्लच यूज करना है। फिर आप पीछे जाएंगे, फिर आप सेम चीज करेंगे। फिर आप बाइक रोकेंगे, फिर आप पीछे जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है 10-15 बार, 20 बार करनी है, जब तक आप इस डिस्टेंस के लिए कंफर्टेबल ना हो जाएं। जब आप इस एक्सरसाइज से बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका आ जाए, फिर आपने चूज करनी है कोई ऐसी जगह जहां पे आपको सीधा रास्ता मिल जाए, जिस पे कोई भीड़ भाड़ ना हो, या तो कोई मैदान हो ज्यादा अच्छा है, या कोई रोड हो तो वो भी अच्छी है। ठीक है, ऐसी रोड, ऐसी खाली जगह जहां पर कोई भीड़ भाड़ ना हो। तो हमको जब ऐसी एक जगह मिल जाएगी कि जहां पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा पर्सन नहीं है, कोई एक्स्ट्री चीज नहीं है, तो वहां पे हम इससे आगे की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इससे आगे अब आपने करना क्या है, अब आपने इसी एक्सरसाइज को लंबा लेके जाना है। लंबा मतलब मैं आपको सिखाता हूं, अभी तक आप 2-3 मीटर चला रहे थे, अब आपको ज्यादा चलानी है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। स्टार्ट करनी है, इंजन ऑन करना है, गियर में डालनी है, और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। जब बाइक चलने लगे लाइक दिस, तब आपने पैर ऊपर रख लेने। हो सकता है शुरू में ऐसे गड़बड़ाए आपकी बाइक, लेकिन आप संभालनी सीख जाओगे। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। फिर से पीछे जाना है और फिर से ये चीज करनी है। अब मैं सिखाऊंगा, अब इसी, सिर्फ इसी मूवमेंट को आपने प्रैक्टिस करना है और इस मूवमेंट में परफेक्ट होना है। तो अब मैं थोड़ा लंबा चला के आपको दिखाऊंगा कि आपको ये चीज करनी कैसे है, ठीक है। तो अब हम यहां पर बाइक लगा लेते हैं, और मैं अब यहां से सीधा स्ट्रेट लाइन में बस आगे जाऊंगा, ठीक। मैंने बाइक स्टार्ट करी, फर्स्ट गियर में डाली, और धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा। कोई रेस नहीं देनी है, ध्यान रखना कि शुरू में कोई रेस नहीं देनी है। जिस पॉइंट पे बाइक चलनी शुरू हो जाए, पैर ऊपर रख के संभालने की कोशिश, और बस क्लच आप चाहे तो पूरा छोड़ सकते हैं। ये मूवमेंट आपको करनी है, और एक पॉइंट पे आके आपको क्लच दबाना है और फिर ब्रेक दबा देने है स्लोली, कोई भी काम झटके से ना हो। अब अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज करी थी शुरू में, जो मैंने आपको बताई थी, तो आप क्लच दबा के अपनी बाइक को घुमा सकते हैं, क्योंकि आपने एक्सरसाइज करी हुई है, ठीक है। अगर आप शुरू में ये चीज नहीं सीखोगे, तो इस पॉइंट पे आके आप अटक जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि आपने एक्सरसाइज कर ली थी, अब आप अपनी बाइक को वापस मोड़ सकते हो। तो हम फिर से वही चीज करेंगे, बस धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, और बाइक जब आगे बढ़ने लगे तो अपने पैरों से हल्का हल्का बैलेंस करते हुए पैर ऊपर रखना सीख लेंगे। बस सिर्फ इतना करना आपने सीखना है। ये पहली एक्सरसाइज है अपनी बाइक को मूवमेंट देने की और उसको चलाने की। अब दिक्कत आती है जब आप बाइक रोकने वाले होते हो, तब आपको क्या करना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं तरीका, वो बाइक ऑफ करके बता रहा हूं। आपकी बाइक ऐसे चल रही होती है, आपके दोनों हाथों से दोनों लीवर छुटे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, धीरे से इसको प्रेस करना है और फिर धीरे से ब्रेक को प्रेस करना है। आपको वो पॉइंट डिसाइड कर लेना है पहले कि भाई मैं वहां पे जाके रुकने वाला हूं, तो उसी के हिसाब से बहुत स्लोली इसको प्रेस करना है और हल्के से फिर ब्रेक को प्रेस कर देना। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करने वाले हो, आपको पता है बाइक रुकेगी तो साइड में जाएगी, तो आप किसी एक पैर पर बाइक को संभालने के लिए आपको रेडी रहना होता है। तो ये फर्स्ट थिंग है आपको बाइक को स्टार्ट करना और बाइक को ब्रेक करना। जब आप बाइक सीखना शुरू कर रहे हो, तो कोशिश करें कि रियर ब्रेक का यूज ना करें, क्योंकि रियर ब्रेक का यूज करने से आपका एक पैर जो है वो एंगेज हो जाता है, और बाइक अगर उस साइड गिरती है तो आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकते हो, ठीक है। तो अब जब आप फर्स्ट टाइम बाइक चलाते हैं, क्लच छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्लच छोड़ने का तरीका सीखने में। तो अभी सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। आपने बाइक स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हम क्लच छोड़ना सीख नहीं पाते, तो जैसे ही ये करते हैं बाइक ऐसे झटका लेके बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये होता क्यों है एक्चुअली, जब आपने रेस ना दी हुई है,
हमने एस्केलेटर नहीं दिया हुआ है और क्लच को छोड़ते हैं, तो अगर जो पावर है वो एकदम झटके से ट्रांसमिट होगी तो बाइक का जो वेट है वो तो रजिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि न्यूटन का जो लॉ है उसके हिसाब से बाइक खड़ी है तो खड़ी रहनी चाहिए। तो जब आप झटके से पावर देते हैं तो इंजन जो है एकदम से बंद हो जाता है, वो उतनी पावर डिलीवर नहीं कर पाता कि बाइक एकदम से चल जाए, ठीक है। और जो क्लच होता है वो बना इस तरीके से है कि वो आपको टॉर्क जो है, गाड़ी का जो टॉर्क है उसको डिलीवर करता है रियर व्हील में। तो जब क्लच धीरे धीरे छोड़ते हैं तो टॉर्क मैक्सिमम डिलीवर होता है। अगर आपने क्लच एकदम छोड़ दिया तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर नहीं होगा और बाइक झटके से बंद हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्लच छोड़ना सीखना होता है, और क्लच छोड़ना सीखने के लिए आपको अपने कान और बाइक के इंजन के वाइब्रेशन दोनों का कोऑर्डिनेशन समझना होगा। लाइक अगर आप अभी सुने तो बाइक के जो इंजन की साउंड है, अब आप बाइक के इंजन की साउंड नोटिस करना, और जैसे जैसे क्लच छूटेगा वैसे वैसे उस साउंड में जो चेंज आएगा वो नोटिस करना आप। देखा आपने, जैसे जैसे क्लच छोड़ते हैं बाइक का इंजन दबने लगता है, मतलब उसकी लगता है कि वो पावर लॉस कर रहा है, क्योंकि पावर कहाँ ट्रांसमिट हो रही है, वो पावर ट्रांसमिट हो रही है इसको चलाने में। तो अगर आप झटके से छोड़ोगे उस चीज को तो झटके से छोड़ने में वो इतनी पावर डिलीवर नहीं कर पाएगा और एकदम से गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये चीज सीखने के लिए आपको आपको क्लच की जो मूवमेंट है उसको फील करना है। जैसे अभी बाइक अपनी आइडल कंडीशन में है, अब बाइक आगे की तरफ जाना चाह रही है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गई और मैं एकदम से छोड़ दूँ तो चल जाएगी, फिर झटका लेके बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद जब बाइक चलने लगे तो उसको चलने दो हल्का सा, चाहे आप पैरों से झटका दे दो और फिर आप क्लच छोड़ दो, फिर बाइक चल जाएगी। और अब ये जो मूवमेंट है ये आपको मैच करानी होती है एस्केलेशन के साथ साथ। अगर आपको लग रहा है आप बहुत तेज रेस दे के बाइक क्लच छोड़ दोगे तो बाइक एकदम से स्टार्ट हो जाएगी, चल पड़ेगी, वो भी नहीं होगा। मान के चलो मैं इतनी रेस दे के और एकदम से क्लच छोड़ता हूँ तो भी बाइक बंद हो जाएगी। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि आपने बहुत रेस दी हुई है और आप झटके से क्लच छोड़ो तो बाइक स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। थोड़ी आगे जाके बंद हो जाएगी, आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है। तो वही चीज़ है, आपको क्लच छोड़ना सीखना है और उसकी मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करना है अपने एस्केलेशन के साथ। तो वो अब मैं बताता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। बाइक स्टार्ट है, फर्स्ट गियर में है, हमने धीरे धीरे क्लच छोड़ा और जब बाइक हल्की हल्की चलने लगे, बहुत हल्की सी रेस उसको दे दी, फिर हल्का सा क्लच, हल्की सी रेस, हल्का सा क्लच, हल्की सी रेस, बाइक चल जाएगी। अगर आप रेस दोगे झटके से तो बाइक आगे से उठ सकती है, और अगर आप क्लच झटके से छोड़ोगे तो बाइक झटका खा के बंद हो जाएगी। अगर आपने रेस ज़्यादा दे दी और क्या बोलते हैं क्लच धीरे धीरे छोड़ा तो हो सकता है बाइक आगे से उठ जाए, और अगर आपने क्लच जल्दी छोड़ दिया तो ये कंडीशन होनी है। तो आपको इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो सीखना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन क्या है? धीरे धीरे छोड़ना है, जब बाइक फील होने लगे, आपको आगे जाती हुई फील होने लगे, पैरों पे जोर पड़ने लगे, तब बहुत हल्की सी रेस देनी है एंड कंटिन्यू। सो दैट सिंपल इट इज, मतलब लग रहा है सिंपल लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन इनका करोगे एक्चुअल में तब आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से इसको सही बिठा सकते हो। तो आपको बस ये इतनी प्रैक्टिस बार बार करते रहना ताकि आपको क्लच छोड़ना आ जाए, सही तरीके से बाइक को स्टार्ट करना आ जाए। ये जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो डिफरेंट स्पीड पे। लाइक अगर मुझे ज्यादा रेस तेजी से बाइक को पिक करना है तो मैं ये कर लूंगा। तो इसमें फिर आपने जो सीखना है वो अलग अलग तरीके से इसको कंट्रोल, शुरू में आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको धीरे से बाइक को स्टार्ट करके चलना है, बिल्कुल इतना। कभी भी जल्दीबाजी में सीखने की कोशिश ना करें, जब भी आप जल्दीबाजी में सीखने की कोशिश करेंगे तो चोट लगने की संभावना है। लेकिन जब आप इसको सीख जाते हैं फिर आप इसको अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं, हाई आरपीएम पे भी स्टार्ट करके ले जा सकते हैं और लो आरपीएम पे भी कर सकते हैं।
राइट। तो ये आपका क्लच का जो कोऑर्डिनेशन है, इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी होगी। जितनी बार आप करेंगे, आप अपनी बाइक के साथ उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल हो पाएंगे। अब ये स्टार्ट करना है, ऐसे ही रोकना है। रोकने में जनरली क्या होता है, बाइक झटके से रुकती है, आराम से नहीं रुकती और इंजन बंद हो जाता है लाइक दिस। ये कंडीशन है, आपकी बाइक चल रही है, आप ब्रेक मारते हैं, ये चीज हो जाती है। तो वहां पे आपको क्लच दबाना सीखना है। अब अगर चलती हुई बाइक में आप एकदम से ब्रेक मार देंगे बिना क्लच दबाए, तो बाइक ऐसे ही बंद हो जाएगी। ये थोड़ा हार्मफुल होता है इंजन के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको धीरे धीरे क्लच दबाना है और फिर धीरे से ब्रेक दबाना है। पर कभी ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा क्लच दबा दिया और फिर ब्रेक दबा रहे हो झटके से, दोनों चीजें खतरनाक होती हैं। हल्का क्लच दबाओ हाफ क्लच पे, फिर ब्रेक दबाना शुरू कर दो और फिर क्लच पूरा हो जाएगा। बस उनकी जो मोशन है उसको सिंक्रोनाइज करना है आपने, कि ये दब रहा है, अब ब्रेक दबा और क्लच पूरा दब गया। तो ये मोशन जब आप सिंक्रोनाइज करना सीख जाएंगे, तो आपकी बाइक को लेके मतलब स्टार्ट करना और स्टॉप करना जो है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है आप बाइक को मोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो मोड़ने के लिए ध्यान रखना, स्लो स्पीड पे मोड़ना सिखा रहा हूँ मैं सिर्फ। स्लो स्पीड पे हमेशा बाइक ऐसे ही मुड़ती है, ठीक है। काउंटर स्टेयरिंग वो काम नहीं करता, वो क्या होता है वो आगे बताऊंगा। तो स्लो स्पीड पे आपको जनरली ऐसे ही मोड़नी है। आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जिस तरफ आप मोड़ रहे हो उस तरफ का पैर यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ मोड़ रहे हैं तो इस तरफ का पैर नीचे रख सकते हैं, और इस तरफ मोड़ रहे हैं तो इस तरफ का पैर नीचे रख सकते हैं। तो लाइक अभी एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और बहुत हल्के से एंगल पे हैंडल को मोड़ लेते हैं, जितना संभाल सकते हैं सिर्फ उतना, और बाइक को चलने देते हैं। पैर नीचे रख सकते हैं। ये आप किसी खुले मैदान में, जहाँ ये तो जगह सही नहीं है सीखने के लिए जहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, लेकिन अगर किसी खुले मैदान में आप करना चाहें जहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो ग्राउंड और ज़्यादा हार्ड भी ना हो, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस करने सीख जाओगे तो आपका कंट्रोल बनना शुरू हो जाएगा मोड़ पर। जनरली मोड़ पर बाइक अंदर की तरफ गिर जाती है। होता क्या है मैं बताता हूँ, आप बाइक को ऐसे पूरा मोड़ देते हैं और बाइक ऐसे गिर जाती है। तो ये इससे बचने के लिए आपने पूरा हैंडल कट करना नहीं सीखना है, बहुत हल्के एंगल पर इस तरीके से, और इस पैर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे। अगर आप इस तरफ मोड़ रहे हैं तो इस पैर का इस्तेमाल करना सीखें। इस तरीके से तो ये थे आपकी बाइक राइडिंग सीखने के बेसिक लेसन्स। ये वीडियो आप बार बार देखिए, बार बार उन पॉइंट्स को सुनिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आप अपनी बाइक को एक्चुअल में समझ पाएंगे, और उसको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तब आप उसको समझेंगे और तब चलाना सीख पाएंगे। जो भी वीडियो इस तरीके की होती हैं, या आप अगर कुछ ऐसा इंटरनेट पर पढ़ते हैं कि 5 मिनट में बाइक चलाना सीखो, 10 मिनट में बाइक चलाना सीखो, तो एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में वो सिर्फ आपको थ्योरी समझा जा सकती है 5 मिनट में, 10 मिनट में, जैसे इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। पर मेन चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास मोटरसाइकिल होगी, तो मोटरसाइकिल लीजिए, बार बार छोटे छोटे स्टेप की प्रैक्टिस कीजिए। जब छोटे स्टेप में आप कंफर्टेबल कॉन्फिडेंस हो जाएं, तब उसके बाद बड़ा स्टेप लीजिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपने बाइक चलाना सीख लिया, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। चढ़ाई पे बाइक कैसे चलानी है, ढलान पे कैसे चलानी है, ट्रैफिक में जिग जैग कैसे चलानी है, एकदम से ब्रेक कैसे करने हैं, तेज स्पीड पे चलती हुई बाइक को कैसे हैंडल करना है, एकदम से उसको रोकना पड़ जाए तो क्या, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। तो ये वाला जो आप पूरा वीडियो का जो कोर्स है उसमें आप सिर्फ इतना समझेंगे कि आप बाइक को मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करना, इसको अपने आप बैलेंस होने देना, इसको किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना,
लेकिन सिचुएशन वाइज हर चीजें बदल जाती हैं। जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं, टूटी हुई सड़क आ गई, वहां कैसे चलाओगे, ठीक है, कहीं पानी भरा है उसमें से कैसे निकालोगे, ब्रेकर पे एकदम से कम कैसे करके उतारोगे, तो वो चीजें सिचुएशन वाइज होती हैं और धीरे धीरे इंसान सीखता है जब वो चलानी सीख। तो जब आप इस वीडियो में बताई गई जितनी चीजें हैं वो सीख जाओगे, उसमें अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, आपको 500, 600, 1000 किलोमीटर चलाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लेके बाइक को सड़क पे निकलोगे ना, तो वो जो ऑब्स्टिकल्स है ना वो आप ऑटोमेटिकली सीखने शुरू हो जाओगे, आपको उनके लिए कोई स्पेशल क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप धीरे धीरे खुद सीख जाओगे। आपको पता है आपकी बाइक कैसे फंक्शन करती है, उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, कैसे वो बैलेंस होगी, उसका ब्रेक कितना हाई है कितना लो है, क्योंकि बाइक्स में ये चीज़ें कॉमन होती हैं, सबको अपनी बाइक का पता होता है, भाई इसका ब्रेक मुझे पूरा दबाना पड़ेगा तब जाके काम करेगा, इसका ब्रेक मुझे हल्का सा दबाना पड़ेगा तो काम करेगा, इसका क्लच पूरा दबाना पड़ता है तब डिसएंगेज होता है। तो ये सारी चीज़ें हर बाइक की अपनी होती हैं, तो आप जिस भी बाइक से सीखोगे वो आप उसके हिसाब से सेट हो जाओगे, उस बाइक को चलाना सीख जाओगे। ओके, तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ सेफ्टी पर्पस। देखिए बाइक जैसा वाहन जो है उसको सेफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पर आप ओपन होते हैं, बाइक के ऊपर बैठे हुए हो, अगर खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ होता है तो आपका कॉन्टैक्ट सीधा सड़क से होगा, किसी दूसरे व्हीकल से होगा, अगर आप गिरते भी हो तब भी आपको चोट लग सकती है, आप बाइक के नीचे आपका पैर दब सकता है, साइलेंसर से जल सकते हो, तो इसलिए इस पर सेफ्टी का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है आपका हेलमेट, आप हमेशा एक हेलमेट कैरी करें और अच्छा हेलमेट कैरी करें, कोई सस्ते के चक्कर में प्लास्टिक व्लास्टिक का हेलमेट ना कैरी करें, जैसे कि ये डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है और ये ओपन फेस हेलमेट है, ठीक है। एक आते हैं आपके फुल फेस हेलमेट, तो आप फुल फेस हेलमेट कैरी करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपकी चिन को भी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जनरली जब बाइक पर एक्सीडेंट होता है तो आपकी चिन आगे लगती है, ठीक है। उसके बाद आप राइडिंग ईयर्स ले सकते हो, जैकेट ले सकते हो, राइडिंग पैंट्स होगी, राइडिंग बूट्स, ग्लव्स, ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन एक सबसे बेसिक और सबसे नेसेसरी चीज़ है एक हेलमेट। तो एक हेलमेट आपके पास हमेशा होना चाहिए, एक अच्छा हेलमेट, क्योंकि गिरने पर जो सिर में चोट लगती है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बाइकिंग में, तो एक हेलमेट हमेशा कैरी करें, कभी ओवर स्पीडिंग ना करें, उल्टे सीधे कट ना मारें, ठीक है, किसी ऐसी जगह पे बाइक ना चलाएं जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ना हो, तो ये सेफ्टी आपको अपनी खुद ध्यान रखनी होती है, ठीक है, उससे आप खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों के लिए भी सेफ बनेंगे, क्योंकि सड़क पर चलती हुई मोटरसाइकिल या कोई भी टू व्हीलर सबसे ज़्यादा प्रोन होता है एक्सीडेंट के, क्योंकि आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, किसी गाड़ी वाले की हल्की सी साइड भी लग गई तो नुकसान आपके होना है, गाड़ी तो बंद होती है, क्लोज होती है, कार क्लोज होती है, बॉक्स के अंदर है बंदा, ठीक है, तो उसको इतनी जल्दी चोट नहीं लगेगी, इस पर सबसे जल्दी ये चीज़ होगी। तो इन सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखें और सेफ राइड करें, स्लो राइड करें, मैं नहीं कहता बहुत स्लो चलाएं, जहां पे जितनी लिमिट है उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको राइड करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।